नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। जिला पुलिस अधीक्षक दीपक शुक्ला के निर्देश पर जिले भर के थानों में नशा के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी के साथ शातिर बदमाशों की धरपकड़ जारी है। जिला पुलिस अधीक्षक दीपक शुक्ला ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि किसी भी प्रकार के अपराध को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, जनता के बीच पुलिस का समन्वय बना रहे और जनता के बीच अपराधियों का खौफ खत्म किया जाएगा। जिला पुलिस अधीक्षक दीपक शुक्ला के निर्देश पर पूरे जिले में पुलिस एक्शन में दिखाई दे रही है। गंज बासौंडा से मुकेश चतुर्वेदी। देखिए, हमने अभी विदिशा में कई नई चीज़ें, नए प्रयोग शुरू किए हैं पुलिसिंग में। एक हमने नाइट कॉम्बिंग यानी कि रात्रि कॉम्बिंग गश्त का अभियान चलाया है, जिसमें बहुत अच्छी सफलता मिली है। इस महीने भी हम लगभग 80 स्थायी गिरफ्तारी वारंटी पकड़ चुके हैं और अभियान हमारा जारी है अभी। इसी तरह से हमने शाम के समय पैदल गश्त का अभियान सभी थाना क्षेत्रों में चलाया है कि थाना प्रभारी अपने स्टाफ के साथ निकलें, उपलब्ध हों तो वरिष्ठ अधिकारी भी साथ में जाएं, जनता से जनसंवाद करें, उनकी स्थानीय समस्याओं को सुनें और उस पर क्या हम बेहतर से बेहतर काम कर सकते हैं उस पर प्रयास करें। इसी तरह से स्टाफ की ब्रीफिंग को लेकर, उनके अनुशासन नियंत्रण को लेकर, डिसिप्लिनरी कंट्रोल को लेकर अलग अलग प्रयोग शुरू किए गए हैं। हमने यहाँ पे जो हमारी साइबर शाखा है वो पहले उतना इफेक्टिव काम नहीं कर पा रही थी, उसके लिए जो आवश्यक संसाधन है वो दिए जा रहे हैं, उसको मजबूत किया जा रहा है। जो जिले में PRO सिस्टम था हमारा पुलिसिंग का, उसको लेकर हमने नए प्रयोग किए हैं, नए तरीके से उसको स्थापित किया जा रहा है। तो इस तरह से अलग अलग दिशाओं में काम चल रहा है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इन सबका रिजल्ट अच्छा हमको देखने को मिलेगा।